हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बेटर। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली सीएम योगी आदित्यनाथ जो लीड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को, उन्होंने एक गर्ल्स के लिए एक जो है बहुत ही एक अच्छी स्कीम निकाली है जो है MKSY। तो आइए जानते हैं ये है क्या चीज़। तो MKSY जो इसकी फुल फॉर्म है वो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो एन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय सीएम योगी आदित्यनाथ ऑन दी ओकेशन ऑफ दिस दिवाली। तो याद रखिए, ये इसी दिवाली पे अक्टूबर में जो सन है 2019 है इसमें लॉन्च की गई है। तो ये इफेक्टिव है अक्टूबर 2019 से, और इसकी ऑफिशियल साइट है MKSY.UP.government यानी GOV.in। इस पर ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने सुविधा प्रोवाइड की है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आइए जानते हैं। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द गर्ल्स चाइल्ड फ्रॉम देयर बर्थ टू ग्रेजुएशन स्टडीज टू मेक देयर फ्यूचर ब्राइट। एक्चुअली गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो गर्ल्स चाइल्ड है उनको आगे जाके जब वो पैदा होते हैं तो कुछ जो है माँ बाप उनको बर्डन समझते हैं अपने ऊपर, तो उसी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है। तो उस स्कीम के तहत क्या होगा, जो भी कोई बालिका है उसको जन्म से लेकर के उसकी ग्रेजुएशन स्टडी तक गवर्नमेंट उसको जो है फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करेगी। तो देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। देखिए, पॉइंट नंबर वन है द बेनिफिशियरी मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, तो वो जो है रेजिडेंट होना चाहिए उत्तर प्रदेश का जो भी गर्ल्स है। दूसरा पॉइंट कहता है कि मैक्सिमम ऑफ टू गर्ल्स ऑफ वन फैमिली विल बी बेनिफिटेड अंडर दी स्कीम। एक फैमिली में से दो लड़कियां इसका लाभ उठा सकती हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि दी फैमिली मस्ट हैव मिनिमम टू चिल्ड्रन। परिवार में जो है दो बच्चे होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसमें एक कंडीशन भी है, वो पॉइंट नंबर फाइव में है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट नंबर फोर हम देखते हैं। द इनकम ऑफ बेनिफिशियरी गर्ल्स फैमिली नॉट एक्सीड्स फ्रॉम 3 लाख पर एनम। जो इनकम है, जो एनुअल इनकम है उस गर्ल्स के माता पिता की, वो है 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले ये गवर्नमेंट ने 1.8 लाख डिसाइड करी थी कि जो एनुअल इनकम है नॉट एक्सीड्स फ्रॉम 1.8 लाख पर एनम, बट बाद में इसको चेंज करके 3 लाख पर एनम कर दिया गया। तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर फाइव को। इफ अ वुमन डिलीवर्स ट्विन बेबीज इन हर सेकेंड डिलीवरी देन दी थर्ड गर्ल विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर दी बेनिफिट। यदि कोई औरत अपनी दूसरी डिलीवरी में दो जुड़वा बच्चे उसको पैदा होते हैं, तो उस केस में जो तीसरे नंबर की जो लड़की होगी वो एलिजिबल होगी। उसके बाद पॉइंट कहता है कि इफ़ अ वुमन हैज़ ए गर्ल फ्रॉम फर्स्ट डिलीवरी एंड सी हैज़ ट्विन गर्ल्स फ्रॉम हर सेकेंड डिलीवरी देन ओनली इन दिस कंडीशन ऑल दी थ्री गर्ल्स विल बी एलिजिबल फॉर दी बेनिफिट। ये कहते हैं कि यदि एक औरत को जो है फर्स्ट डिलीवरी में एक लड़की होती है और दूसरी डिलीवरी में उसको जुड़वा लड़कियाँ हो जाती हैं, तो वो तीनों गर्ल्स उस टाइम पे जो है बेनिफिशरी होंगी इस स्कीम की। अब इस स्कीम्स के अंडर जो है स्कीम क्या कहती है, कितना अमाउंट उनको मिलेगा, तो वो देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 विल बी ट्रांसफर क्रेडिट इन अकाउंट ऑफ गर्ल्स विद इन 6 इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द डॉटर टू ग्रेजुएशन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस सो डैट गर्ल डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद मनी फॉर स्टडीज। दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू दोज गर्ल्स चाइल्ड हु बॉर्न आफ्टर 1 अप्रैल 2019, ठीक है। तो ये जो है ₹15,000 मिलेंगे उनको जो भी गर्ल्स इसकी बेनिफिशरी होगी, और उसको 6 इंस्टॉलमेंट में ये पेमेंट उसको मिलेगी, डायरेक्ट ट्रांसफर होगी जो है उसके अकाउंट में। देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन है, यदि लड़की जो है जो बेनिफिशरी गर्ल है यदि उसकी एज वो वयस्क नहीं है, तो जो जो अमाउंट है जो इस स्कीम का जो अमाउंट है ₹15,000, ये उसके या तो माता के या पिता के खाते में जाएंगे। जब वो वयस्क हो जाएगी तो ये ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाएंगे उस लड़की के खाते में।
तो आइए ये देखते हैं कि 15,000 रुपये सिक्स इंस्टॉलमेंट में पे करेगी गवर्नमेंट, और कितना कितना अमाउंट पे करेगी। तो ये उनकी जो है एक इंस्टॉलमेंट स्लैब है, जिसमें देखते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए गर्ल, ठीक है, जो भी जन्म के टाइम पे जो है गवर्नमेंट उनको 2,000 रुपये पे करेगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। देन सेकंड इंस्टॉलमेंट में आफ्टर 1 ईयर ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ द गर्ल, यानी वैक्सीनेशन यानी जो टीकाकरण होता है तब 1,000 रुपये पे करेगी। थर्ड इंस्टॉलमेंट आफ्टर द गर्ल स्टडी इन क्लास फर्स्ट, जब फर्स्ट क्लास में वो एंटर करेगी तो 2,000 रुपये मिलेंगे। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में देखेंगे तो आफ्टर द गर्ल स्टडी क्लास सिक्स, तब भी उसको 2,000 रुपये मिलेंगे। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में देखेंगे तो आफ्टर द गर्ल स्टडी इन क्लास नाइन्थ, जब वो 9वीं क्लास में एंटर करेगी तो उसको 3,000 रुपये मिलेंगे। और सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट है जिसमें उनको सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो ये है कि आफ्टर द गर्ल हैज़ पास 12th क्लास आफ्टर एडमिशन इन ग्रेजुएट और डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर्स और मोर ड्यूरेशन। यदि कोई लड़की जो है 12th क्लास पास कर लेती है और वो एडमिशन लेती है, डिप्लोमा करती है, ग्रेजुएशन करती है, तब ये जो सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट है उसके तहत उसको 5,000 रुपये मिलेंगे। और देखिए इस का लाभ पाने के लिए, इस स्कीम का जो है बेनिफिशियरी बनने के लिए क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पॉइंट 1 कहता है कि रेजिडेंट सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड एट्सेट्रा, यहाँ पे आप वोटर आईडी, बेसिकली क्या है कि प्रूफ देना होगा कि वो उत्तर प्रदेश के जो हैं रेजिडेंट हैं। पॉइंट नंबर 2, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द गर्ल फैमिली, तो इनकम सर्टिफिकेट उन्हें क्या है सत्यापित करना होगा कि हमारी सैलरी जो है 3 लाख से ज़्यादा नहीं है सालाना इनकम, जो जिसकी हम बात करें। तीसरे पॉइंट पे देखें तो जॉइंट फोटो ऑफ द गर्ल्स विद देयर मदर एंड फादर, जिस जो लड़की बेनिफिशियरी है उसका जो है उसके फादर और मदर के साथ जो है जॉइंट फोटोग्राफ होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, यदि लड़की वैश्य है तो उसका स्वयं का बैंक अकाउंट नंबर, नहीं तो उसके माता या पिता में से किसी एक का। फिर बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अब आइए कुछ 5 क्वेश्चंस बनाए हैं हमने इसके ऊपर, उनको देखते हैं जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन स्टेट्स लॉन्च्ड रिसेंटली मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है MKSY। तो ऑप्शन है गुजरात, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बजट अमाउंट ऑफ MKSY यानी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। देखिए ये आपको वहाँ बताया नहीं था, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये अमाउंट मैंने आपको पहले नहीं बताया। तो 1200 करोड़ रुपए का जो है बजट रखा है गवर्नमेंट ने अपना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MKSY, ये आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर A हम देखते हैं कि MKSY.UP.IN, ऑप्शन नंबर B MKSY.CO.IN, ऑप्शन नंबर C MKSY.UP.GOVERNMENT.IN, ऑप्शन नंबर D नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हु इज़ दी बेनिफिशियरी ऑफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ऑप्शन है A गर्ल्स चाइल्ड ऑफ द स्टेट, ठीक है, जितने भी गर्ल्स चाइल्ड हैं उस राज्य की वो। ऑप्शन नंबर B गर्ल्स चाइल्ड ऑफ द इंडिया, इंडिया की जितनी भी गर्ल्स बच्चे हैं वो। ऑप्शन नंबर C ऑल वुमेंस ऑफ द इंडिया, जितनी भी औरतें हैं भारत की वो, या D ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका सही ऑप्शन है ए गर्ल्स चाइल्ड ऑफ द स्टेट, उसी कंसर्न स्टेट की जिसमें ये लॉन्च की गई है, ये पूरे भारत के लिए नहीं है, ओनली ये यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अपने स्टेट के लिए, तो गर्ल्स चाइल्ड ऑफ दैट कंसर्न स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेज, तो इसके 6 स्टेज हैं, हमने पहले देख लिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर B ठीक है 6। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले, और सजेशन दे कि मैं इसको और बेटर कैसे बना सकता हूँ। थैंक यू।